दोस्तों गुजरात में ना गरबा फीवर चल रहा है और मुझे मेरे स्कूल कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग आए हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तो छोटे कह सकती हूँ, बच्चे हैं जो यहाँ पे गरबा खेलने आए हैं। और ये वेन्यू पे ना उस्मान मीर भी परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो गरबा गाने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन यंगस्टर्स से कि गरबा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो गरबा के लिए क्या क्या करते हैं, कितना वेट करते हैं गरबा करने के लिए। और एक मुद्दा जो बहुत ज़रूरी लगता है मुझे बात करने का कि गुजरात में लड़कियाँ कितना सेफ महसूस करती, कितना सुरक्षित महसूस करती। तो चलिए बात करते हैं कि लड़कियों का क्या कहना है इस पे। तो सबसे पहले तो लल्लन टॉप की टीम से आप सभी को हेलो। और आप आज यहाँ ये कॉलेज के स्टूडेंट से कौन सा कॉलेज है और कौन से ईयर में, ये बता दीजिए। साल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर है और फिफ्थ सेमेस्टर है। अच्छा, थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर है। तो आप यहाँ पे कितने साल से गरबा करने आ रहे हो? ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है। कोरोना था ना लास्ट ईयर, कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है। कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम है, क्योंकि दो साल से तो गरबे हो ही नहीं रहे थे। और आप गुजरात में कहाँ से हो? गुजरात में अहमदाबाद से। मैं जामनगर से। जामनगर जो सौराष्ट्र में पड़ता है। और आपको गरबा करना पसंद है? हाँ बहुत। क्या गरबा है? गुजराती की पहचान ही गरबा है। तो जामनगर में भी आप खेलते थे? हाँ, जामनगर में भी खेलते थे हम। तो जामनगर का गरबा और यहाँ का गरबा कैसे अलग? जामनगर से ज्यादा यहाँ पे है, क्योंकि अहमदाबाद में ज्यादा होता है गरबा का। अच्छा। जामनगर मैं पालनपुर से हूँ, ये बोटाद से। बोटाद और पालनपुर से, और वहाँ पे भी गरबा खेला जाता है? वहाँ पे भी गरबा खेला जाता है। बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, और पास में अंबाजी है, तो वहाँ से नवरात्रि को अंबाजी में बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। और बहुत सारे पूरे इंडिया से, गुजरात से, सारी जगह से पब्लिक आती है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ पे कितने बजे तक रात को गरबा खेलने वाले? 12-1 बजे तक। और वापस आते जाते कैसे हो? एक्टिवा से। फ्रेंड के साथ आने जाना होता है, फ्रेंड के साथ। और तो आपकी मम्मी पापा आपको आने देते इतना लेट? हाँ, उसको टेंशन नहीं रहता, क्योंकि नवरात्रि ऐसा है कि सेफ है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी लड़की बाहर सेफ रहेगी। ओ, नॉर्मल डेंस से अच्छा होता है नवरात्रि में, क्योंकि रात में पब्लिक ज़्यादा होती है। तो रात को जब मम्मी को पता चलता है कि रात को 1-2 बजे वापस आने वाले हो, तो टेंशन में रहती है मम्मी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन करना पड़ता है कि मम्मी आ रही हूँ मैं वापस? नहीं, सिर्फ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको गुजरात में, आप जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और आप गुजरात में अभी पले बड़े यहीं पर हो, और आपके घर में भी बहनें होंगी, मम्मी होंगी, तो आपको लगता है कि गुजरात में आप सेफ महसूस करती है? हाँ बहुत। किस मतलब, क्या आपने बाहर जैसी कहानियाँ सुनी होंगी कि गुजरात के बाहर क्या होता है, तो गुजरात में अलग क्या है? गुजरात में रात को वैसे रोड्स बहुत खाली नहीं होते, लाइक थोड़ी बहुत तो होती है पब्लिक, लेकिन वो ऐसे बैड हरकत नहीं करते है, सारे अच्छे होते हैं। अच्छा, जेन्युइन लोग मिलते हैं। छेड़छाड़ कम होती है गुजरात में, अदर आउट ऑफ गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि यहाँ पे रेप होता है वहाँ, उससे कंपेयर में गुजरात में कम होते हैं, ज़्यादा लड़कियाँ सेफ है गुजरात में, क्योंकि रात में लड़कियाँ को अकेले देखते वो परेशान नहीं करते, उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं गुजरात में। मनाली गए थे ना, तो रात को ट्रेन में ना वो बहुत सारे बॉयज थे, तो हम लोग पंजाब क्रॉस करके आ रहे थे, तो वहाँ से रात को बहुत सारी लाइक छेड़खानी कर रहे थे, बॉटल फेंक रहे थे, और वैसा इधर ऐसा नहीं है, इधर बहुत से सब होता था, सीटी मारना, घूरना। और ये पॉसिबल तब है, क्योंकि गुजरात में दारू पे दारू प्रतिबंध है, और आउट ऑफ गुजरात जाते तो दारू पीते हैं, और तब लोग पूरे तो गुजरात में लोग दारू बिल्कुल नहीं पीते? पीते हैं, लेकिन रात को होते पर वो छेड़छाड़ी नहीं करते, बाहर वो होता है। नहीं तो मतलब क्यों गुजरात में भी लोग दारू पीते हैं, आप कह रहे हो कि बाहर भी पीते हैं, तो गुजरात में क्यों छेड़खानी? प्रतिबंध है, प्रतिबंध है गुजरात में, सरकार ने प्रतिबंध रखा है। बट आपने बताया ना कि यहाँ पीते हैं, तो फिर अलग क्या है? क्योंकि पीते तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर रोड पे नहीं होता ना, वहाँ तो रोड पे ही होता है, क्योंकि सरकार ने परमिशन दी है तो रोड पे लेके घूमते हैं लोग, यहाँ पे नहीं घूमते हैं। अच्छा, चलो लड़कों से भी थोड़ी बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि मतलब ये सारी लड़कियाँ भी कह रही हैं, आपने भी शायद सुना होगा कि गुजरात में लड़कियाँ सेफ महसूस करती है, आपकी इन पर क्या राय है? आपके घर में बहन होंगी तो वो क्या महसूस करती है? बहन तो सेफ ही है यहाँ पे, और क्योंकि सब लोग, जो लोग लड़कियों को रात को बाहर देखते हैं वो हर लोग गलत नज़र से नहीं देखते हैं, उनको अपनी बहन या फ्रेंड की नज़र से देखते हैं, तो क्या लड़की को कोई छिट नहीं करता, वो पर क्या भी अंधेरे में खड़ी होगी तो उसके उसके घर तक छोड़ने जाते हैं सब लोग। ये आपने ऐसे देखा है? हाँ मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया है। आपने खुद भी किया है? हाँ।
और आपको क्या लगता है, आपकी मम्मी या बहनें क्या कहती है कि गुजरात में सेफ महसूस कर? आप कभी बाहर गए हैं? बहुत बाहर गए हैं, बहुत ट्रैवल किया है, तो गुजरात इतना सेफ है उतना मुझे नहीं लगा और कोई स्टेट सेफ होगा गुजरात में। मतलब जितना हम घूमे हैं अहमदाबाद में, जितना घूमे हैं, मतलब नाइट आउट में बहुत घूमे हम लोग, बहुत मतलब यहाँ पे बहुत सेफ्टी नज़र आती है आउट ऑफ मतलब कंपेयर करें तो। बट जो अहमदाबाद में मजा है, गरबा की जो मजा है, वो तो बहुत बहुत बेहतरीन है। सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, मतलब लड़के भी कह रहे हैं कि वो भी खुद यहाँ पे सेफ महसूस करते। तो आप जब यहाँ गुजरात से बाहर गए थे, आपके साथ ऐसी कोई हादसा हुआ कि आपको लगा कि सेफ नहीं है? इतना हम जितना घूमे हैं रात को, मतलब जितनी पब्लिक अहमदाबाद में दिखती है उतनी बम्बई के अलावा कहीं मुझे नहीं लगता कि दिखती होगी। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे तो क्या है कि लड़कियाँ अभी 2-3 बजे तक रहती है फिर भी सेफ रहती है। क्या है कि यहाँ पे दारूबंदी है, फिर वो क्या है अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, लेकिन क्या है कि अब सब यहाँ नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है ना, तो लड़के बहुत जल्दी बाहर होते हैं, लेकिन किसी को लड़की को छेड़ते नहीं, वो उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लड़कियाँ सेफ है। तो आगे पूछती हूँ मैं कि ये आपने जब इंजीनियरिंग कोर्स ख़त्म करोगे तो आप गुजरात में रहना पसंद करोगे कि बाहर भी देखना घूमना पसंद करोगे? मतलब हम घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं मतलब जो सेफ महसूस करते हैं वो गुजरात से कहाँ, मतलब कोई कंट्री में नहीं होगा ऐसा। अब थोड़ा आगे उनकी तरफ भी चलते हैं, काफ़ी सारा एक बड़ा सा ग्रुप वहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं लल्लन टॉप से हूँ और मैं उनसे भी बात कर रही थी कि गुजरात में लड़कियाँ कितना सेफ महसूस करती हैं कि गरबा में, यू नो, 2-3 बजे तक। मैं बात कर रही थी कि जैसे लड़कियाँ गुजरात में 2-3 बजे तक बाहर रहती है गरबा के टाइम, तो आप कहाँ से हो और आप कैसा महसूस करते हो? जैसे आप अभी बाहर रहोगे तो आपकी मम्मी टेंशन करती है कि इतना लेट तक अभी आई नहीं है घर, क्या होता है? हम तो पीजी में रहते हैं। अच्छा, तो मम्मी को पता तो होगा कि गरबा के? बता के ही आए। तो आप सुरक्षित महसूस करती है? हाँ, फ्रेंड्स है ना। अच्छा, आप? हाँ, सेफ ही है। और आप कहाँ से हो? राजकोट से। राजकोट से। और कितने बजे तक आप गरबा खेलते? मतलब 12-1 बज जाता है रोज का। हाँ, 12-1 बज जाता है। और जैसे वो लोग बता रहे थे कि वो जब गुजरात के बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, लोग अच्छे नहीं है, लड़के छेड़खानी करते हैं, ऐसा सब। तो आपने भी ऐसा सब सुना है कि आपकी राय क्या है? अब तक तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। नहीं, ये तो कॉलेज में है तो ये तो सब सेफ एटमॉस्फेयर है, सब जाने पहचाने हुए ही है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपको अहमदाबाद पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। नहीं, मैं इधर से नहीं हूँ, मैं अमरेली से हूँ, पर हाँ अहमदाबाद में हूँ काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से इधर ही हूँ, तो बहुत मज़ा आता है इधर। आप वोट करते हो? हाँ, करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या है, मतलब लोग किस बात पर गुजरात में वोट करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरोना अभी गया तो मेन पॉइंट वो होगा, फिर वो रास्ते सारे गुजरात में मतलब रास्ता होगा, और बहुत सारे मतलब पेट्रोल प्राइस जो भी हाइक हो रही है, तो वैसे भी बहुत सारे मुद्दे अभी आएंगे अभी तो नए नए। लेकिन ये जो यंग लोग हैं, आप लोगों के लिए जैसे पॉलिटिकल मुद्दा क्या होता है? जैसे बहुत सारे हम सुनने में आते हैं कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में और ये सब, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है एक शहर में, एक राज्य में? मतलब एक राज्य में हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेफ्टी जो लोग करते हैं, फिर वो एग्ज़ाम, आपने बोला तो एग्ज़ाम एक महीने की पेपर लीक के काफ़ी सारे जो वो बनाव बन चुके हैं, पर है कि अभी ठीक चल रहा है तो फिर वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो, उस हिसाब से अच्छा है वैसे। और पेट्रोल प्राइस और वो सब, वो उसका हाइक वो सब है अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत है, इसलिए तो प्रॉब्लम पड़ता है स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट देखे तो हम बाहर से आते हैं तो फिर वैसे भी महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, अभी GST भी बढ़ गया, तो फिर ऐसे हम जो अपने घर से दूर रहते तो पैसे और उस सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। वोट देने से पहले आप ये सारे मुद्दे सोचेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सोचेंगे अब इस बार। और इस बार ये भी बात हो रही है कि भाजपा तो जैसे गुजरात में बहुत सालों से है, बहुत मजबूत है इस बार, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एक नई पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो आपने सुना है कि आम आदमी पार्टी अहमदाबाद में क्या क्या काम कर रही है? आम आदमी पार्टी का बहुत तो नहीं सुना, पर हाँ उसके होर्डिंग्स और वो सब देख रहे हैं, तो फिर वो सब बता रहे हैं कि मतलब कॉम्पिटिटिव वो सब करते हैं, तो वही सब अभी तो कुछ वैसा कुछ नहीं सुना है कि क्या कर रहे हैं। इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, ये पहले भाजपा और कांग्रेस थी और अब एक तीसरी पार्टी आ गई है, तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को लेकर आपके घरों में आप खुद क्या, आपकी राय क्या है? घरों में तो वैसे ही राय है कि अभी तो मतलब गुजरात है तो फिर भाजपा ही होगा, तो फिर घर में तो सिर्फ भाजपा ही होता है, पर बोलते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी मतलब अच्छा कॉम्पिटिशन देगी उनको। अच्छा। यस, और अहमदाबाद में आप सुनते हो कि क्या क्या वादे कर रहे हैं ये लोग कि क्या अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या क्या होगा? नहीं अभी तो मतलब वैसा तो कुछ अभी तो नहीं सर, कुछ
ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने थोड़ी गपशप की गुजरात के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। आशा करते हैं आपको भी थोड़ा समझ आया होगा कि यहाँ पे कल्चर क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइए। धन्यवाद।